अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ पैटी पैन की रेसिपी शेयर करेंगे। पैटी पैन जो है ये एक सब्जी है। इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो पैटी बेक करने वाले पैन की तरह होती है, इस वजह से इसका नाम पैटी पैन है। ये सब्जी जो है ये कद्दू, टिंडे और जो तोरी है उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसमें विटामिन ए और सी जो है वो वाफर मकदार में पाया जाता है। और इसे जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये इसी तरह से इसका कलर जो है वो ग्रीन और हल्का सा येलोश होना शुरू हो तो तभी इसको काट लिया जाता है। अगर इसका कलर येलो हो जाए तो फिर इसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। पैटी पैन बनाने के लिए हमने 1 किलो पैटी पैन लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर, 2 छोटे प्याज, अगर आपका प्याज बड़ा हो तो 1 ही प्याज ले लें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7-8 जवे लहसुन के, 5-6 सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। पैटी पैन बनाने के लिए जो मसाला जात हमें चाहिए उसमें हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसे हम ताज़ा ताज़ा पीस कर इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल एंड पर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम पैन में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, हल्का सा ऑयल जो है वो गर्म हुआ है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने लो मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है, और इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का सा तब्दील होना शुरू हो गया है। अब हम इस मुकाम पर इसमें लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो गया है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हमने इनका कलर जो है वो ब्राउन नहीं करना। अब हम इसे मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर ही इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। टमाटर जो है वो काफी हद तक नरम हो गए हैं, उन्हें मैंने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाला जाट डाल लेंगे। इसे तेज आंच पर भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है और ऑयल भी इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटे हुए पैटी पैन जो है वो शामिल कर देंगे। हमने छीलने से पहले और छीलने के बाद धोया है, काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके लो मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना ही पानी छोड़ेंगे और इसमें भी डाल देंगे। लो मीडियम हीट पर पकते हुए से तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इस मुकाम पर इसे आंच तेज करके भूनेंगे। अच्छे से बुनाई हो गई है, इसमें हल्का हल्का सा ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि ये बुनाई हो चुकी है इसकी। अब हम इस मुकाम पर इसमें सब्ज मिर्चें डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च और धनिया डालेंगे, सब धनिया। अब हम इसकी आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे।
से दम पर रखे थे, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये खाने के लिए तैयार हैं। अब हम इसमें काली मिर्च जो है वो डाल देंगे, हमने फ्रेश पीस कर डाली है। अब हम इसमें सब्ज धनिया डाल देंगे। हमारा सालन जो है वो खाने के लिए तैयार है। इनका जायका जो है पाकिस्तान में जो टिंडियाँ मिलती हैं बिल्कुल उन जैसा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।